नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक खटिया की डिज़ाइन लेकर हाजिर हुआ हूँ। और इस खटिया की डिज़ाइन में दोस्तों मैं आपको पार्ट टू बताने वाला हूँ। इससे पहले वाली वीडियो मैंने ये सभी डिज़ाइन कैसे स्टार्ट करते हैं ये सभी चीज़ मैंने बनाकर बता दी थी। ये स्टार्टिंग कैसे करते हैं फूल की, ये कितनी रस्सी डालनी है, ये किस प्रकार से डिज़ाइन शुरू करनी है, वो आप पार्ट वन में देख सकते हैं। ये आज मैं पार्ट टू में आपको आगे की डिज़ाइन किस प्रकार से डालनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि बहुत से दोस्तों कमेंट आ रहा है कि आप पार्ट टू बताइए, तो इसलिए मैं आपको पार्ट टू बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको ये डिज़ाइन डालनी है। बेसिक आपको बात बता देता हूँ दोस्तों कि स्टार्टिंग में आपको ये कम से कम एक साइड में देख पा रही है ये 12 रस्सी आपको डालनी है। जैसे 6 ये 6 12 रस्सी एक तरफ डालनी है और दोनों तरफ ये मिलेंगी तो 24 रस्सी हो जाएंगी। इसलिए सबसे पहले आप 12 रस्सी डालिए और 12 रस्सी में 6 दूनी 12 रस्सी ये दबा दीजिए। और ये 6 कड़िया की रस्सी हमारी चारपाई है, जैसे ये 2 2 4 2 6 6 कड़िया की चारपाई होती है, 9 कड़िया की होती है, 12 कड़िया की। इसमें 6 कड़िया की मतलब 6 रस्सी होती हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये हमारी 6 रस्सी हैं, 2 ये 2 ये 2 ये हमारी ये 6 रस्सी हैं। अगर आप 9 कड़िया रखोगे तो यहाँ ये अभी 2 2 का जोड़ा है हमारा, ये देखिए 1 ये 2, फिर हमारा 3 3 का जोड़ा, तो ये आपको 9 रस्सी दिखेंगी। अगर आप 12 कड़िया रस्सी 12 की चार पे बनेंगे तो यहाँ 4 4 आ जाएंगी। तो इस हिसाब से दोस्तों ये 9 कड़िया की 6 कड़िया की और 12 कड़िया 4 कड़िया की होती है खाट। मैंने तो यही देखी है कि 9 कड़िया की 6 कड़िया की 4 कड़िया की और 12 की, ये 3 ही डिजाइन मैंने देखी है खाट में। डिजाइन तो बहुत देखे हैं लेकिन खाट बनाने में सिर्फ 9 कड़िया की 6 कड़िया की 4 कड़िया की यही मैंने देखी है। और हो सकता है दोस्तों फालतू भी हो, इसके बारे में मेरे को ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैंने आइडिया है मैंने यही देखा है और उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे आसान होती है वो चौकड़िया खाट होती है, लेकिन चौकड़िया की मैं बताऊँ, कई दोस्तों ने बोला था कि हमें 6 कड़िया की खाट बताइए, तो इसलिए मैं 6 कड़िया की खाट ये बता रहा हूँ आज। तो ये डिज़ाइन आप इस प्रकार से डाल सकते हैं, पार्ट वन में आपको मिल जाएगी। ये पार्ट टू मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना आगे। देखो रस्सी मैंने 3 कलर की ली है इसमें, ताकि आपको डिज़ाइन आसानी से दिख सके, इसलिए मैंने 3 कलर डाले हैं दोस्तों। आप चाहें तो 2 कलर भी डाल सकते हैं या 1 कलर में भी बना सकते हैं, लेकिन 1 कलर में क्या होगा आपको फूल नहीं दिखेंगे इतने। कम से कम ये डिज़ाइन बनाने के लिए आपको 2 कलर तो लेने ही हैं, अगर 3 लेते हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपको पूरी डिज़ाइन दिख जाएगी हमारी। तो चलते हैं आगे मैंने क्या किया है। देखो इस प्रकार से हम लेंगे, मैं आपको एक रस्सी का तरीका बता देता हूँ कैसे क्या करना है। ये हर में जैसे ये 2 रस्सी मैंने डाल दी है, तो मैंने क्या करेंगे 6 दबाई और 6 ही रस्सी हम उठाएंगे। ये और 6 दबा कर 6 उठाई मैंने, फिर मैंने ये 6 उठा लिया। 6 उठाकर दोस्तों मैंने क्या किया है, ये 12 रस्सी मैंने ये दबाई है, सॉरी दोस्तों मिस प्रिंट हो गया था हमारी रस्सी। आपको क्या करना है, यहाँ 6 दबाकर 6 उठानी है, फिर 6 दबानी और ये जोड़ा से 2 रस्सी उठानी है। देखो 1 और ये 2, तो ये 2 रस्सी आपको उठानी है, फिर 6 दबानी है और ये 8 रस्सी उठानी है आपको। सिंगल सिंगल 8 रस्सी है दोस्तों, मैं सिंगल सिंगल रस्सी बता रहा हूँ आपको, ये 8 रस्सी उठानी, फिर आपको 6 दबानी है और 2 रस्सी उठानी है। ये 2 रस्सी आप देख पा रहे हैं मेरी, ये देखो 2 रस्सी उठानी है, फिर इसके बाद में आपको 6 दबानी है और 6 ही रस्सी उठानी है, और 6 रस्सी उठाकर फिर आप 6 दबा देंगे, 6 दबा देंगे। दबाने के बाद में देखो आगे कैसे डालने रस्सी, इसको थोड़ा पाया को उठाकर इसमें इस प्रकार से ये रस्सी डाल देंगे दोस्तों, तो ये यहाँ आ जाएगी, ये आ गई यहाँ पे हमारी, इस प्रकार से हो जाएगी। थोड़ी सी रस्सी को इसको हमें सही कर देंगे यहाँ पे, और ज़्यादा टाइट रस्सी नहीं खींचनी, नॉर्मल रस्सी दोस्तों ये खींचनी है आपको। ज़्यादा टाइट करेंगे तो दिक्कत हो सकती है आपकी, बाई होती है ये सिर होती है उसमें बैंड हो जाती है। नॉर्मल रस्सी खींच के फिर ये हमारी पिंडी है, ये पिंडी को इसमें उठा के इसमें डाल देना है, इस प्रकार से करना है। ये इसमें उठाए हमने, इसमें डाल दिया है, फिर आगे हमें स्टार्ट इसको नज़दीक करता रहिए बस। फिर से सेम रस्सी डालनी है दोस्तों, हर 2 रस्सी तो आपको सेम ही डालनी होगी, फिर उतनी ही आप रस्सी उठाइए। जैसे पहले वाली रस्सी डाली तो दूसरी रस्सी भी इसी प्रकार से पड़ेगी, क्योंकि इसमें डबल रस्सी एक साथ ही पड़ती हैं दोस्तों। 3 उठाई, 6 उठाई और ये 6 दबा दी। 6 दबाने के बाद में मैं 2 रस्सी उठा लूँगा दोस्तों,
फिर छह दबाई और आठ रस्सी उठाई है, आठ रस्सी उठा ली, फिर मैं छह दबाई और दो रस्सी उठाई है दोस्तों, और फिर मैं छह दबाई और छह रस्सी ही उठाई है। इस प्रकार से ये आपको स्टार्टिंग करनी है और इसमें ही डाल देना है। पाया थोड़ा उठाकर इसको इस प्रकार से डाल देना है। ये हमारी पूरा देखो ये रस्सी डल गई है। तो डालने के बाद में दोस्तों क्या होता है कि ये हमारा एक फाड़ा पूरा बन गया है। ये छह रस्सी का एक फाड़ा बनता है, तो ये छह रस्सी का हमारा एक फाड़ा बन गया है। तो अब आगे के इसमें क्या डिजाइन चेंज करनी है, वापस ये पिंडी हमारी उठाए और इसमें ये इस प्रकार से डाल दीजिए। डालने के बाद में दोस्तों आगे क्या करना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि आगे आपको कैसे क्या करना है। फिर सबसे पहले यहाँ छह रस्सी दबाइए, देखो दो दो चार दो छह रस्सी दबा दीजिए, छह रस्सी यहाँ दबा दी हमने। छह रस्सी दबाकर दोस्तों फिर उसके साथ क्या कीजिए, अगले फाड़े की चार रस्सी और दबा दीजिए। जो ये हमारा फाड़ा है इसमें छह चार दस रस्सी टोटल आपको दबानी है दोस्तों। मैं आपको बता यहाँ से और यहाँ तक दस रस्सी दबाना आपको, और दस दबाकर आपको दस ही रस्सी उठानी है, दस दबाकर आपको दस रस्सी उठानी है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ हमने दस रस्सी दबा दी और ये दस रस्सी ही उठा ली है। देखो दो दो चार दो छः, छः दो आठ, दो दस, और उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे भी दस रस्सी आपको दबा देनी है वापस, इस बात का ध्यान रखना आपको। हाँ तो दोस्तों आगे मैंने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैंने दस रस्सी दबाई दी और दस उठाई, फिर मैंने यहाँ पे दस दबाई है, सॉरी हाँ दस दबाई है, और दस के बाद बारह रस्सी मैंने उठाई है, फिर मैंने दस दबाई दस उठाई, फिर दोस्तों दस दबाई यहाँ पे। तो इस प्रकार से डिजाइन मैंने स्टार्ट किए और इसमें दो रस्सी डाल देंगे सेम में। फिर आगे दो रस्सी हमारी तीसरी रस्सी नंबर आएगी, तो इसमें मैंने क्या किया यहाँ पे आठ रस्सी मैंने दबाई है, फिर तीन उठाई छः उठाई और दो रस्सी दबाई है, फिर छः उठाई छः दबाई है, फिर मैंने तीन उठाई यहाँ पे, सॉरी छः रस्सी उठाई है और चार रस्सी दबाई है, फिर छः उठाई छः दबाई, फिर छः उठाई दो दबाई, फिर छः उठाई आठ दबाई यहाँ पे। तो इस प्रकार से मैंने ये स्टार्ट किया है। उसके बाद में यहाँ पे इसमें दो रस्सी डाल देंगे, चार नंबर रस्सी, इसी प्रकार पाँच नंबर रस्सी में आपको क्या करना है यहाँ पे कि छः दबाई छः उठाई, फिर छः दबाई छः उठाई, फिर यहाँ तीन दो रस्सी दबानी पड़ेंगी दोस्तों, दो रस्सी दबाकर फिर आपको छः दबानी और बारह आठ रस्सी दबानी है, छः उठाकर आठ रस्सी दबानी है, फिर छः उठानी दो रस्सी दबानी, फिर छः उठानी आठ दबानी छः दबानी, फिर ये छः उठानी छः दबानी। तो इस प्रकार से ये स्टार्टिंग आपको करनी है दोस्तों। अब आगे ये डिजाइन कैसे शुरू होगी वही मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ स्टार्टिंग में देखो सबसे पहले दस रस्सी दबेंगी, फिर आठ रस्सी, फिर छः रस्सी दबेंगी, ये तो स्टार्टिंग रहेगा। ये लहर आप देख पा रहे, ये लहर एकदम मैच होनी चाहिए आपको। यहाँ भी स्टार्टिंग में इस प्रकार से क्या था, इसके आगे रस्सी हमारी कम बत्ती होती फूल में, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। ये फूल अलग डिजाइन का है और ये फूल सेम है, और ये फूल और ये फूल सेम है, ये भी ये दोनों सेम रहेंगे हमारे चारों फूल। अब इससे आगे डिजाइन कैसे बनेगी चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से हमें डिजाइन बनेगी। और इसमें भी फिर हमारी ये छह रस्सी होगी, इसमें अलग फाड़ा ताड़ेंगे हम, वह भी रस्सी हम डाल के मैं आपको बता देता हूँ। पिंडी यहाँ पे इस प्रकार से डालनी है इसमें दावणी में, और यहाँ से आपको छह रस्सी ये दबाना है पहले, इसको नीचे से लेकर इस प्रकार से, और यहाँ से दो दो चार दो छह रस्सी होगी मेरी। देखिए दोस्तों ये छह रस्सी हैं, इस छह रस्सी को आपको दबाना है, छः दबाकर फिर चार रस्सी इसकी दबानी है, मतलब टोटल यहाँ से दस रस्सी दबाना आपको इस प्रकार से, और फिर छः उठाकर आपको दोस्तों ये दस रस्सी दबा देंगे आप। फिर दस रस्सी दबाकर आपको क्या करना है दोस्तों,
वो भी चलो मैं आपको बता देता हूँ। 10 रस्सी दबाकर आपको यहाँ पे 10 रस्सी ही उठानी है आपको, फिर 10 रस्सी दबाकर आपको 10 रस्सी उठानी है, फिर यहाँ पे ये 12 रस्सी दबानी है आपको, और 12 रस्सी दबाकर आपको 10 उठानी है, और फिर 10 आपको आगे दबा देनी है, और 10 दबाकर दोस्तों आपको 6 रस्सी उठानी है, और 6 रस्सी उठाकर आप यहाँ पे 10 रस्सी दबाइए, तो 4 तो आपके नीचे बच जाएंगे, यहाँ पे स्पेस में देख पा रहे हैं यहाँ नीचे, और 6 रस्सी इसकी लीजिए इस प्रकार से। देखो 2, 2, 4, 2, 6 रस्सी लेंगे, 6 रस्सी लेकर इसको इस प्रकार से डाल देंगे। ये मैंने सिंगल रस्सी डाली, सेम इसी प्रकार से इसमें 2 रस्सी करनी है आपको, डबल करनी है, इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। इसको थोड़ा आपको सहायता से इसको सरका दीजिए रस्सी को, और इसको थोड़ा नज़दीक कर देंगे, ये अलग फाड़ा हो जाएगा, ये हमारा फाड़ा है, ये 6 रस्सियों का है दोस्तों। ये इस प्रकार थोड़ी सी आप टाइट कर दीजिए, और इस प्रकार से इसको सही करना होता है, नज़दीक सरका के या इस प्रकार से सही कर देंगे आप, ये आ जाएगी हमारी रस्सी। फिर इसको आप यहाँ से ऊपर से उठाइए, और ये पिंडी होती है हमारी, देखो ये पिंडी, ये इसको इसमें डाल देंगे दावणी में, फिर यहाँ पे लेंगे, फिर सेम यही डिजाइन, यही रस्सी आपको सेम डालनी है, पहली डाली थी दूसरी भी आपको सेम रस्सी ही डालनी है इसी में इस प्रकार से, और तीसरी चौथी नंबर सेम रस्सी रहेगी, और पांचवी और छठी नंबर सेम रस्सी रहेगी, और पहली दूसरी सेम रहेगी। ये तीसरी और पहली में भी डिजाइन थोड़ी चेंज होती है रस्सी में, और तीसरी में फिर पांचवी में होती है, बाकी 3 रस्सी सम संख्या की 2, 4, 6 बच गई, वो रस्सी दोस्तों सेम होती है इनमें। देखो सेम ही मैं उठा रहा दबा रहा हूँ, सिर्फ आप कुछ ही नहीं कर रहा इसमें, पहली वाली रस्सी मैंने डाल दी थी उसी को सेम मैंने ये डाल रहा हूँ। अरे वापस 10 रस्सी यहाँ पे दबा देंगे, ये हमने 2 रस्सी डाल दिए। अब हमारी विषम संख्या की आ गई रस्सी, मान लीजिए कि 3 नंबर रस्सी आएगी, 3 नंबर रस्सी में आपको चेंज करना होगा इसमें, हर इसकी 3 नंबर रस्सी होगी दोस्तों, उसमें डिजाइन में इसमें चेंज करना होगा। ये स्टार्टिंग से ही आप नोट कर लीजिए बात, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ना, वहाँ से ही ये पहला पहाड़ा मैंने सिर्फ दबाया था एक सेम, फिर हर 3री रस्सी में और 5वीं नंबर रस्सी में आपको सेम चेंज करना होगा, इस प्रकार से ये कर देंगे हम। फिर इसमें आगे की रस्सी सेम डाल देंगे हम, 4 नंबर रस्सी। तो आगे इस दोस्तों मैंने 3 नंबर रस्सी में क्या किया, यहाँ पे 8 रस्सी दबाई, फिर 6 उठाई, 6 दबाई, फिर 2 रस्सी उठाइए, फिर 6 दबाई, 6 उठाई, 6 दबाई, 4 उठाई, ये हमारा जी है ये 7 चलेगा इसमें, फिर 6 दबाई, 6 उठाई, 6 दबाई, 2 रस्सी उठाइए, फिर 6 दबाई, 6 उठाई, फिर यह मैंने 8 रस्सी दबाई है। देखो इसमें 2, 2, 4 रस्सी मैंने डाल दी है, चौथी नंबर रस्सी भी इसी प्रकार डालनी पड़ेगी। अब आपको 5वीं नंबर रस्सी में आपको चेंज करना होगा दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है, सिर्फ पहली नंबर रस्सी, फिर 3री नंबर और 5वीं नंबर, 3 रस्सी में आपको चेंज होगा, और दूसरी चौथी और छठी नंबर रस्सी सेम डलेंगी उसी के साथ, तो इस प्रकार से ही चलेगा हमारा काम। अब ये 5वीं नंबर रस्सी डाल रहा हूँ मैं, 5वीं नंबर रस्सी में आपको क्या होगा दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको 6 दबानी है, और ये 6 दबा देनी है, और 6 दबाकर दोस्तों आपको क्या करना है, 10 रस्सी उठा देनी है, ये 6 दबाई हमने, 10 रस्सी उठा देंगे, और 10 रस्सी उठाकर आपको 10 रस्सी ही दबानी है दोस्तों, 10 रस्सी ही दबानी है, और 10 दबाकर आपको क्या करना है वो भी बता देता हूँ दोस्तों मैं। तो 10 रस्सी दबाकर दोस्तों 6 रस्सी उठानी है, और फिर आपको 6 रस्सी दबा देनी है, और 6 रस्सी दबाकर आपको क्या करना है, ये 8 रस्सी उठाएंगे हम, 8 रस्सी उठा देंगे दोस्तों, ये 8 रस्सी उठाकर फिर आपको ये आगे की ये सेम होगा, ये सेम करना है आपको। अब यहाँ पे 6 दबा देंगे हम, और 6 रस्सी उठा देंगे इस प्रकार से, आपको ये 6 रस्सी दबानी है और 6 रस्सी ही उठानी है दोस्तों, और 6 रस्सी उठाकर आपको क्या करना है दोस्तों, वो
दस रस्सी दबानी, ये दस रस्सी आपको दबानी होंगी, और दस रस्सी दबाकर आपको क्या करना है, दस रस्सी ही उठाना है, दस रस्सी दबाकर दस रस्सी ही उठाना है लास्ट में, और फिर आपको ये छह रस्सी ही दबा देनी है। ये लास्ट हमारी फाड़ा की छह रस्सी आ गई, इसको दबा देनी है। तो वो हमारा हो गया सीक्वेंस अलग ही। ये पांचवी नंबर रस्सी है, इसको थोड़ा मैं सही कर देता हूँ पाए में डालने के लिए। इस प्रकार से हरदम पाए से निकालनी पड़ेगी आपको रस्सी, थोड़ा इसको नज़दीक करके इस प्रकार से आपको सेट भी करनी है इसको। अब छः नंबर रस्सी इसी के साथ डलेगी दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है, छः नंबर रस्सी एकदम सेम डलेगी, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। हाँ तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, रस्सी मैंने चेंज कर दिया अभी, ये पहले वाली रस्सी यही मैं डाल रहा हूँ अब। आपको आगे की डिजाइन बनानी हो तो कैसे बनाएंगे उस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखो हर फूल के पास, मेरे पास ये छोटी चारपाई है लेकिन आपके पास बड़ी चारपाई होगी, तो मैं इतनी ही बता पाऊंगा, लेकिन आपको आगे क्या करना है वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। हर ये फाड़ा हमारा पूरा हो गया, लेकिन जब आगे का फाड़ा ये शुरू करेंगे उसी में हमारी डिजाइन की अगली रस्सी शुरू होगी। हर आप देख पा रहे हैं 1 3 5 रस्सी में हमें ये डिजाइन हमारी फूल की शुरू होती है, इसी प्रकार अगला फाड़ा की पहली रस्सी डालेंगे तो हमारी ये डिजाइन शुरू हो जाएगी। देखो आगे का फूल कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ तरीका। यहाँ से आप 6 दबाइए और इसके साथ 4 रस्सी और दबाइए, मतलब टोटल 10 रस्सी दबानी, और 10 रस्सी दबाने के बाद में आपको यहाँ पे 6 रस्सी उठानी है। 10 रस्सी दबा दीजिए आप, और 10 रस्सी दबाने के बाद में यहाँ पे 6 रस्सी उठा लीजिए। आगे का फाड़ा में हमारा फूल शुरू होगा, और 6 रस्सी दबाकर दोस्तों आपको क्या करना है, 3 रस्सी दबाना है, सॉरी 2 रस्सी दबाना है, और 2 रस्सी दबाकर फिर आपको ये 6 रस्सी उठाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ मैंने 2 दबा दी है और 2 दबाकर ये 6 रस्सी उठा ली है। फिर उसमें आगे भी आपको क्या करना है, ये 6 रस्सी दबाना आपको, और 6 रस्सी के साथ 6 रस्सी ही उठाना है दोस्तों, 6 रस्सी दबानी है और 6 ही रस्सी उठानी है आपको, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा कम जो वो हो गई हमारी रस्सी कम हो गई, इसलिए 6 दबाकर आपको 6 ही उठानी है। इस प्रकार से ये स्टार्टिंग करेंगे आप, इसका थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना आपको। फिर यहाँ पे आपको 6 रस्सी दबानी है, और 6 रस्सी दबाकर आपको दोस्तों 12 रस्सी उठानी है आपको। यहाँ पे 6 दबा दी मैंने, इसी डिजाइन में, और 6 रस्सी दबाकर ये यहाँ पे 12 रस्सी उठा ली, और फिर हम आगे 6 रस्सी दबा देंगे। यहाँ से हम 6 रस्सी दबा दी है, और 6 रस्सी दबाकर दोस्तों आपको क्या करना है, 6 रस्सी ये उठा लेनी है, और 6 रस्सी उठाकर आपको फिर ये 6 रस्सी दबा देनी है, और 6 रस्सी दबाने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, 6 रस्सी उठानी है और 2 रस्सी दबा देनी है, और फिर ये 6 रस्सी उठाएंगे आगे भी। ये 2 दबाकर आप यहाँ से 6 रस्सी उठाएंगे, देखो 6 रस्सी उठा लिए, उसके बाद में यहाँ टोटल 4 ये और 6 ये रस्सी, इस प्रकार से 10 रस्सी दबा देंगे आप, ये 10 रस्सी दबाएंगे। इस प्रकार से ये फाड़े की अगली ये हमारा फाड़ा बन जाएगा, और ये डिजाइन भी शुरू हो जाएगी। देखो ये आगे का फाड़ा आपका बन गया है, और ये डिजाइन भी हमारी शुरू होगी, इस प्रकार से डिजाइन आपकी आगे की शुरू होगी दोस्तों, इस प्रकार से डिजाइन हमारी शुरू होगी आगे। ये एक नंबर रस्सी डाल दी हमने अगले वाले फाड़े की, या हम आगे का फाड़ा बोलते हैं इसको, 6 रस्सियों का ये, इसको नज़दीक कर दो, अलग दिखा देते हैं। देखो ये सभी अलग अलग दिख पा रहे हैं आपको, थोड़ा नज़दीक कर देता हूँ, जगह बन जाएगी ताकि हमारी। तो इसमें एक नंबर रस्सी डाली, अब 2 नंबर रस्सी सेम इसी प्रकार से डालना है, फिर आपको 3 नंबर रस्सी में हमें इंटरचेंज करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
हाँ तो दोस्तों देख पा रही हैं आपको इस प्रकार की डिजाइन बनती हुई नजर आएगी। पूरी डिजाइन इसमें बाहर में अलग अलग डिजाइन होगी, इसमें ये अंदर की अलग डिजाइन होगी। दोस्तों चारपाई मेरे पास छोटी है, लेकिन आपके बड़ी चारपाई तो कैसे बनाएंगे वो आपको बता दिए। फूल आपको ये फूल देख कर, इस रस्सी को देख कर, आपको स्टार्टिंग में कैसी रस्सी डाली है इसको देख कर आप आगे चलती रहिए, और ये बीच में डिजाइन आपकी इस प्रकार से लहरिए चलती रहेंगी, तो ये भी लहर अपने आप बन जाएंगे। तो इस प्रकार से देखो ये लहर आपकी फूल डिजाइन बनेगी, ये फूल की डिजाइन, ये बनेगी ये बनेगी, और बीच में अलग डिजाइन बन जाएगी। जिस प्रकार ये मैंने डिजाइन दिखा रखी है इस प्रकार से डिजाइन आप बना सकते हैं। ये सभी रस्सी मैंने डालकर अभी, क्योंकि छोटी चारपाई तो मैंने रस्सी बंद कर दी है, ये आपके पास बड़ी चारपाई होगी तो आप और भी रस्सी फूल बना सकते हैं। अभी दो ही फूल बने, यहाँ तीसरा फूल मेरा बनने को तैयार हो रहा था, लेकिन ये अभी हमारा पूरा बंद हो गया है। और यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, कि जी को आपको उठा के रखना है, रस्सी थोड़ी कम बत्ती करके ध्यान रखना है कि जी को अभी मैंने एक रस्सी डालकर उठा दिया है, तो इस बात का भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों यह मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।